सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवाऊंगी। मेरा नाम डॉक्टर सैरिश शफी है और मैंने PhD इन लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क इंग्लैंड से की है। जी मैं डॉक्टर सईदुल हसन चिश्ती, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट। मैं अमरीन अंजुमू, डॉक्टर अमरीन अंजुमू, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। मैं लाहौर कैंपस से आई हूँ। मैं डॉक्टर फहीम शाह, कॉम्सेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ अबाद से आया हूँ यहाँ पे दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस में। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के फैकल्टी ऑफ लीगल एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम पहली दो रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पज़ीर हो गई। कॉन्फ्रेंस आयर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तावन से ला कॉलेज में 17 और 18 मार्च को मुनक़िद की गई। कॉन्फ्रेंस में यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के प्रोफेसर्स के अलावा दूसरी जमात के सीनियर प्रोफेसर्स ने भी अपने तहकीकी मकाले पेश किए। बैरून मुल्क के स्कॉलर्स ने ऑनलाइन अपने मकाले पेश किए। कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन के मेहमान खुसूसी थे। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने प्रोफेसर्स और मुंतजमीन में शील्ड तकसीम किए। इस मौके पर IGFC साउथ बलूचिस्तान मेजर जनरल कमाल अनवर चौधरी, कमांडेंट मकुरान स्काउट कर्नल अजहर, डिप्टी कमिश्नर कीच हुसैन जान बलोच भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस के बाद एक तालिब इल्म लेक्चरर अब्दुल बासित बलोच और प्रोफेसर्स ने गिदरोशिया पॉइंट से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल मेरा प्रेजेंटेशन का सेशन था। जब मैंने स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन दी तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और मुझे बहुत ही हैरानी हुई इस बात की कि जो स्टूडेंट्स और ख़ासतौर पर फीमेल स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करती हैं उनका कैलिबर किसी भी सूरत में पाकिस्तान के बाकी रीजन्स में मौजूद यूनिवर्सिटियों से कम नहीं है। उनकी स्पोकन बहुत अच्छी है, उनका कैलिबर बहुत अच्छा है, उनके एथिक्स क्वेश्चन करने के बहुत अच्छे हैं। यहाँ के बच्चे किसी से भी कमतर नहीं है, यहाँ के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। हाँ, इनको अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि शायद वहाँ से कम हो, लेकिन डिस्पाइट ऑफ के लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी दे आर डूइंग वेरी वेल और इनमें एक्सेल करने के तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, तमाम पोटेंशियल इनमें मौजूद है। एक ड्राइव है, एक मोटिवेशन है, एक आगे बढ़ने की लगन है, तो इनको ये मौके फराहम करने चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये सबको मुबारकबाद दूंगी यहाँ तुर्बत यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने इतनी कामयाब कॉन्फ्रेंस कराई और ये पहली दफ़ा हुआ है कि आपने इतनी बड़ी गैदरिंग देखी और इतने मुख्तलिफ एरियाज से लोग आए हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं और उन्होंने अपने जितने भी पॉइंट्स रखे हैं आई एम श्योर कि वो फ्यूचर में सबके काम भी आएंगे। तुर्बत जैसे इलाके में जो कि एक पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कंसेप्ट जा रहा था कि एक बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पे जो है दहशतगर्दी है, लेकिन इस दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस में यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो लोग हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये सिर्फ गलतफहमियाँ हैं जो मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम वक्त में इन लोगों ने एक बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया था। थ्रू आउट पाकिस्तान बहुत सारे रिसर्चर साइंसदान जो है वो आए थे यहाँ पे और अपना रिसर्च वर्क उन्होंने प्रेजेंट किया। सबसे पहले ये कॉन्फ्रेंस बहुत एक इंफॉर्मेटिव कॉन्फ्रेंस था। इसमें जो है कि हमने बहुत कुछ सीखा और सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि जो है इस कॉन्फ्रेंस में बाहर के लोग आए हुए थे, लाहौर से, पेशावर से, और इसके अलावा जो है आउट ऑफ कंट्री से, चाइना से, UK से जो ऑनलाइन कुछ जो है रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने जो है अपने वो एक रिसर्च पेपर्स शेयर किए थे हमारे साथ। तो इसलिए ये जो है कॉन्फ्रेंस इंतहाई हाईली जो है एक इंफॉर्मेटिव कॉन्फ्रेंस था। यहाँ मैंने जिस तरह बच्चियों को कंट्रीब्यूट करते हुए और एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट करते हुए देखा और बच्चों को भी देखा और जो एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर था वो इंतहाई अप्रिसिएशन के काबिल है। और मैं यहाँ के यूनिवर्सिटी को, स्पेशली प्रोफेसर गुल हसन साहब को भी मुबारकबाद देती हूँ और प्रोफेसर जान मोहम्मद बलोच साहब को भी देती हूँ जिन्होंने इतनी कामयाब इस वक्त यहाँ करवाई, एक कॉन्फ्रेंस करवाई। दूसरा सबसे अच्छा और अमेजिंग पॉइंट जो मैंने नोट किया है वो ये है कि यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये लॉ कॉलेज है और यकीन करें ये बहुत हैरानी की बात है कि यहाँ पे मेल और फीमेल स्टूडेंट्स की रेशियो इक्वल है, हालांकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा नहीं होता। हम लोग, मेरा ताल्लुक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से रहा है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ डिपार्टमेंट्स में इक्वल होती है और ख़ासतौर पर लॉ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें फ़ीमेल की रेशियो कम होती है, सिविल इंजीनियरिंग है कम होती है, लेकिन यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में इक्वल है और लॉ में ख़ासतौर पर
ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। और हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह बाकी आइंदा आने वाले दिनों में भी आपकी यूनिवर्सिटी, तुर्बत यूनिवर्सिटी, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज अरेंज करती रहेगी और हमें भी सीखने का मौका मिलेगा और इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत का एक फैकल्टी है यहाँ पे, जो है अगर क्वेटा से हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे पढ़ाई क्वेटा के बेस पे ज़्यादा है। यहाँ के क्वालिफाइड टीचर्स मौजूद हैं और इसका फैकल्टी भी बहुत अच्छा है। HOD सारे जो टीचर्स हैं वो LLM लेवल के टीचर्स हैं और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो जो मौजूदा वक्त में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और यहाँ पे लॉ डिपार्टमेंट में जो अपना सर्व भी कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के लिए भी दुआगा हूँ और मैं आपके ये चैनल की भी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करता हूँ कि माशाल्लाह आप यंग लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं आपके दुआ करूँगा कि आपका चैनल एक ना सिर्फ तुर्बत तक ही महदूद रहे बल्कि ये आपका एक नेशनल चैनल बनकर उभरे। ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इनकाद करने से स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल तहकीकी टीम के दरमियान ताल्लुकात को मजीद वसत मिलेगा, जिससे स्टूडेंट्स को बेनुल अकौमी मुख्तलिफ मौके से मुस्तफिद हो सकते हैं। कैमरामैन मेराब कालिद के साथ सरप्रव शाह, ये द्रोशिय पॉइंट, तुर्बत। मज़ीद दिलचस्प मालूमात और ख़बरों से आगाह होने के लिए गिद्रोशिया पॉइंट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि मकरान समेत बलूचिस्तान की खबरों से जुड़े रहें।